अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी जायका। आज हम पाकिस्तानी जायका में आपके लिए लाए हैं चिकन टिक्का बारबेक्यू। देखने में ही कितने यम्मी है। चले हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ली है। पूरी चिकन के मैंने 8 पीसेस करवा दिए थे। बड़े बड़े पीस रखने हमने चिकन टिक्का के लिए, छोटे पीस नहीं लेने। उसमें मैं ऐड करूंगी 2 आदद लीमो। लीमो देख सकते हैं कितने बड़े साइज के हैं। अगर आपके पास छोटे साइज के लीमो अवेलेबल है तो आप थोड़ी इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। मैं सारा जूस इसका निकाल के इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा, लीमो से हमारा चिकन टिक्का बहुत ही डिलीशियस और जूसी जूसी हो जाएंगे। खाने में इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आपको महसूस होगा। अगर आप लीमो नहीं डाल सकते तो इसकी जगह आप सोच रहे हैं हमारे पास लीमो नहीं है तो मैं सिरका ऐड कर दूं। सिरका से आपके चिकन टिक्का बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, खाने में वो मजा नहीं देंगे जो लीमो मजा देता है। अब इसमें मैंने सारा अच्छे से लीमो निचोड़ दिया है और मैं इसमें ऐड करूंगी शान का टिक्का मसाला पैकेट। सारे लीमो हमने लगा दिया है। इस पे भी कट लगाना जरूरी है। चिकन पे हम अच्छी तरह इसे स्लाइस की तरह कट लगा देंगे, निशान लगा देंगे ताकि जूस अच्छे तक अंदर तक पहुंच जाए। और हम इसे 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं और 1 पूरे दिन के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर हम पूरे दिन के लिए मैरिनेट करेंगे तो इससे हमारे टिक्का बहुत ही अच्छे बनेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे चिकन टिक्का मसाला पैकेट। ये मैंने शान का लिया है। आप कौन सा यूज करते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं इसमें सारा ऐड कर दूंगी। आपका बेहद शुक्रिया 500 सब्सक्राइबर का। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी मेरे 500 के सब्सक्राइबर भी हो, मिलियन भी हो। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मुझे कॉन्ग्रेट्स भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें ताकि मेरी भी दिल हौसला अफजाई हो और आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कुकिंग के रिलेटेड। इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बड़ा हम पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे। पिसे हुए जीरे से अच्छा सा टेस्ट आएगा। और हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बड़े चिली सॉस और सोया सॉस। इससे एक अच्छा सा जूसी फ्लेवर आएगा। अब हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरह हमारा मसाला चिकन पे लग जाना चाहिए, आप देख सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ये मैंने रेडी कर दिए हैं चिकन टिक्का बारबेक्यू करने के लिए। अब हम इसे बारबेक्यू करने के लिए रख देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कोयले जल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसे सेकने के लिए रख दूंगी ताकि हमारे टिक्के अच्छे से सेक जाए। मेरा पेज पाकिस्तानी जायका लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और मेरी अच्छे अच्छे आने वाली वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चिकन बारबेक्यू जल्दी से तैयार हो गए हैं। इनको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में अच्छे से सेक चुके हैं। और हम सेकने के वक्त इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल ब्रश की मदद से लगाते रहेंगे ताकि हमारे टिक्का का टेस्ट डबल हो जाए और खाने में बहुत ही जबरदस्त बने। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं जल्दी से आपको अच्छा सा सर्व करके दिखा देती हूँ कि मेरे टिक्का कैसे बने हैं। व्यूअर्स, स्पेशल टिक्का चिकन टिक्का बारबेक्यू तैयार है। आपको कैसी लगी रेसिपी? आप आगे रेसिपीज में क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो मेरी वीडियोस पर अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, के पास बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि मेरी अच्छे अच्छे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। मेरा साथ देते रहे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।